सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो फिर हम बात करते हैं एल्विस यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। कल का लड़ाई आपको पता होगा एल्विस यादव एंड अविनाश के बीच में। इसके बाद जो फुकरा इंसान एंड एल्विस यादव के बीच में काफी डीप कन्वर्सेशन हुआ, वो काफी कुछ समझा है ना एल्विस यादव को कि वो जो बेवकूफ का बच्चा बोले अविनाश को वो गलत है करके। इसके बाद भी वो काफी कुछ समझा रहे थे, एल्विस यादव समझे भी ठीक है ना। एल्विस यादव कल एक बात बोलते हैं, एक बात बोलू अभिषेक, सीरियस बोल रहा हूं मैं, अगर तू मेरी जगह होता ना तो 100% गलत भी होता तो मैं तुझे सही बोलता, तेरा साथ देता चाहे बाकी लोग जो मर्जी बोलते, तेरे साथ खड़ा रहता। जैसे कि बताया एल्विस यादव ने जो कल फुकरा इंसान बोला कि अगर तू गलत भी होता है ना तो मैं तेरा 100% सपोर्ट करूंगा करके। फिर जो एल्विस यादव है उसके बाद बोलते हैं भाई मैं जो दिल में है वो कह देता। फिर एल्विस जाते हैं बेबिका के पास और बोलते हैं तुम मेरी दोस्त हो, तेरे पास ही बैठूंगा मैं तो। बेबिका कहते हैं तुम मेरे पास ही बैठो, अगर वो बैठने लायक होता तो मैं वहां बैठी होती, मैं उसकी सच्ची दोस्त होती। फिर जो फुकरा इंसान है वो नाचते हुए आते हैं, कहते हैं बेटा हम तो ऐसे ही है और अभी तक एक के साथ में ही है। तो बेबिका कहते हैं मैं भी तो एक ही के साथ में हूं। फुकरा इंसान बोलते हैं कभी अविनाश, कभी पूजा मैम, कभी साइरस, अभी तो कितनी रंग बदल चुकी है। फिर वो बोलते हैं मैं बताता हूं मैं अब तक सिर्फ एक के साथ था और अब एंड तक दो के साथ होऊंगा, दो लोग यानी एल्विस यादव एंड मनीषा रानी। इसके बाद ना एल्विस यादव भी खुश हो जाते हैं, वो स्माइल कर देते हैं। और सुनो एल्विस यादव एंड फुकरा इंसान कल बात कर रहे होते हैं ठीक है, वो बेसिकली डिस्कशन कर रहे होते हैं ड्यूटीज के बारे में, घर के जो ड्यूटीज है। एल्विस यादव फुकरा इंसान को बोलते हैं भैया यहाँ पर बर्तन वर्तन धोने की आदत तो नहीं लगवा देंगे, घर जाके भी कहीं बर्तन वर्तन धोने ना पड़ जाए, मम्मी काम वाली भाई को छुट्टी देकर ये ना बोले कि हमारा बेटा ही करेगा सब काम। फिर ना दोनों हंसते हैं वहां पर। इसके बाद जो एल्विस यादव को अपने फ्रेंड्स का याद आता है, वो बोलते हैं दोस्त देख रहे होंगे लाइफ पर मुझे और साड़ा हवाबाजी कर रहे होंगे और कहते यार साड़ों की याद आ रही है, दो ही दिन हुए घर में आए इन सालों को याद कर रहा, तू तो यहाँ पे 30 दिन से रह रहा होगा, तू तो बहुत याद कर रहा होगा यार, स्पेशली मम्मी को तो बहुत ज्यादा याद कर रहा होगा। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं हाँ यार याद तो बहुत आ रही है, एंड कहते हैं पर क्या है ना यार अभी जीत के ही जाना है। ना एल्विस यादव फुकरा इंसान मनीषा बैठे हुए थे ठीक है, एंड जो लाइट्स थी वो ऑफ थे और जो एक्टिविटी एरिया है वहां से काफी कुछ आवाजें वगैरह आ रहा था ना, कुछ खोदने का आवाज वगैरह। फिर एल्विस यादव कहते हैं भाई क्या सीन चल रहा है उधर, क्या खोद रहे वहां पर। तो अभिषेक कहते हैं कल वीकेंड का वार है, उसका तैयारी कर रहे हैं शायद से, सेट वेट कुछ लगा रहे होंगे। फिर एल्विस कहते हैं मुझे लग रहा है कोई कबर खोद रहा है, कल सलमान भाई आके किसी एक को कबर में डाल देंगे साड़े। फिर फुकरा इंसान बोलते भाई कल वीकेंड का वार है, अभी से तू ऐसी बातें मत कर। वो बोलते कहीं तेरी ना खुद रही हो। फिर एल्विस कहते अरे अपनी होगी तो देख लेंगे। फिर ना फुकरा इंसान मनीषा बैठे हुए होते हैं, वहीं पे वो बात करते कल के लड़ाई के बारे में, एंड वो कहते मुझे नहीं लगता एल्विस एंड अविनाश की लड़ाई अब इससे ऊंची जाएगी, क्योंकि अगर इससे ऊंची गई तो गाली गलौज हो जाएगा। एंड वो कहते ये अविनाश जो है ना ये दिमाग से गेम खेलता है और जब भी लड़ाई होगी वो 10 पॉइंट गिनाने के लिए आ जाएगा, वो 1 पॉइंट रखेगा, 2 पॉइंट रखेगा और पॉइंट ही करता रहेगा। लेकिन एल्विस जो है ना उसका पॉइंट वाला कोई लेना देना नहीं है, वो दिमाग से खेलता ही नहीं है, उसका जो मन है वो करता है। मजाक मस्ती में अविनाश को छेड़ तो रहा है लेकिन उसको ये पता है कि अविनाश कुछ नहीं कर रहा घर में और एल्विस बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा क्योंकि वो दिल से खेलता है और इसी वजह से वो दिमाग लगाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। वो बोलते हैं एल्विस भोला है, वो पॉइंट भी नहीं बता पाएगा जब भी लड़ाई का टाइम आएगा क्योंकि आधी बात तो वो भूल जाता है कि क्या बात हुई थी और क्या नहीं। और सुना भाई कल हो जाता मनीषा एंड बेबिका के बीच में लड़ाई, मनीषा कुछ बना के खा रही थी ठीक है, और बेबिका उस टाइम पे मनीषा को बोलती है तू मर्दों को देखकर फिसलने वाली लड़की है। ये बात सुनने के बाद मनीषा रोने लग जाती है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंड फिर वो भी बहुत कुछ सुनाने लगती है ना बेबिका को। वो बोलते तू यार ये बात कैसे कर सकती है, मैं मर्दों को देखकर फिसलती हूँ, तू मेरे कैरेक्टर पे कैसे बात कर सकती है, हमने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हें नीचा फील हो, लेकिन तुम बददिमाग बदइज्जत एंड बेहुदा लड़की हो। फिर इसके बाद फुकरा इंसान भी मनीषा को रोता हुआ देखकर वो बेबिका के ऊपर गुस्सा हो जाते, वो बोलते तुमने जो बोला वो गलत है। इसके बाद बेबिका फुकरा इंसान पे चढ़ने लग जाती है। इसके बाद भाई आ जाता फुकरा इंसान को गुस्सा है, वो भी जो बहुत कुछ सुना देते हैं बेबिका को और वो बोलते तू हमेशा यही करती है और फिर तू टॉन्ट मारना शुरू कर देती है और ये हरकत तेरा बिल्कुल भी सही नहीं है। घर के अंदर एक के बाद एक बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, 2 दिन सही रहती है और फिर चालू। फिर बेबिका बोलने लगती है मैंने उसे गाली नहीं दी, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा। फिर वो शुरू हो जाती है ये लड़ाई। के बाद ना एल्विस के साथ हो जाता है एक प्रैंक, एंड ये प्रैंक कौन करता है, फुकरा इंसान। तो ना फुकरा इंसान एल्विस यादव को बोलते हैं जा जाकर अंदर पता करके आके क्या चल रहा है। तो एल्विस यादव चले भी जाते हैं ना, एंड वो बेबिका से बात करने लग जाते हैं। बेबिका काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो उनको शांत कराने का कोशिश करते हैं, वो काफी कुछ समझाते हैं ना बेबिका को एल्विस यादव। एंड इसके बाद फुकरा इंसान बाहर से वो चुड़ैल वाला हंसी हंस देते हैं जो बेबिका हंसती है ना उसी तरीके से। एंड इसके बाद भाई एल्विस यादव बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं ये प्लान तूने कब बनाया, ये तो मुझे पता ही नहीं था ये भी प्लान में तुम चुड़ैल वाला हंसी हंसोगे। फिर वहां पर सारे लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर एल्विस बोलते हैं बड़ी मुश्किल से शांत हो रही थी और तूने चुड़ैल वाली हंसी हंस दिया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगी, तो वो ना काफी फनी हो गया था उस टाइम पे। और जो भाई आपको बताऊंगा जब से एल्विस यादव घर के अंदर आए वो जिया शंकर से अच्छे से बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली वो पोक कर रहे या फिर वो मतलब मजाक उड़ा रहे। इसके बाद ना फुकरा इंसान जिया शंकर का दोस्ती कराते हैं एल्विस यादव के साथ, यस वो दोनों हाथ मिलाते हैं आप देख सकते हो। फिर एल्विस यादव बोलते हैं अरे भाई हम जानते हैं अच्छी लड़की है, हमने कब कहा बुरी लड़की है। फिर फुकरा इंसान कहते हैं अरे ठीक है दिमागी तो नहीं है बस, पर लड़की ठीक है। और जो क्या एल्विस यादव ने जो बेवकूफ का बच्चा बोला अविनाश को वो सच में उन्होंने गलत बोला, रात में इसी से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था फुकरा इंसान आशिका मनीषा एंड एल्विस यादव का, तो वो बोलते मैंने पूजा जी को ताई बोल दिया, अब क्या वो डिसरेस्पेक्टफुल हुआ क्या। फिर फुकरा इंसान कहते हैं नहीं वो इतनी समझदार है, वो इतनी छोटी बात पर बुरा नहीं मानती और ताई मुंबई में काफी रिस्पेक्टफुल वर्ड है। मनीषा एंड आशिका एल्विस को कहते हैं तुमने अविनाश को इतना भी बुरा नहीं बोला, ये लोग गलत वर्ड को पिक करते हैं, तुमको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। फिर एल्विस यादव बोलते मैंने उसको सिर्फ बेवकूफ का बच्चा बोला और उसने वो वर्ड पिक कर लिया, ये लोग ऐसे वर्ड्स पिक कर लेते हैं। और जो लोग खाने पीने में लड़ते हैं ना
उनके घर में खाना पीना ताले में रखती होगी उनकी माँ, तभी ये ऐसे खाने पीने के लिए मर रहे। भगवान की दया से हमने ये अभी तक नहीं देखा। फिर फुकरा इंसान बोलते ये लोग है ना इतना खराब हो चुके हैं यहाँ पर, ये लोग सिंपैथी खाते हैं, इनका ये है कि मेरे बाप को बोला तो मुझे सिंपैथी मिल जाएगा। फिर एल्विस कहते हैं हाँ भैया तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। मनीषा कहते हैं ये लोग अभी काफी अजीब हो चुके हैं, ये लोग अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और सुना कल हो गया एल्विस यादव थोड़ा सा डिसअपॉइंट, क्यों? आज वीकेंड का वार है तो घर वालों को कपड़े आए ठीक है, तो वो कपड़ा ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो जो कलर का ब्लेजर उन्होंने भेजा था वो पसंद नहीं आया उनको, ऑल्सो वो उनको फिट नहीं आ रहा था, थोड़ा छोटा था ना। वो बोलते यार ये गुलाबी ब्लेजर पहले ही वीकेंड का वार में कौन भेजता है। फिर फुकरा इंसान बोलते सच्ची बताऊं ये वीकेंड का वार का इशू तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, हमने बाहर ऐसे स्टाइलिस्ट वगैरह तो रखा नहीं है इसलिए अपने कपड़े ऐसे ही आ रहे हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है ना इसलिए हमको पता नहीं है। इन लोगों को पता है कि बाहर स्टाइलिस्ट वगैरह रखना होता है। फिर फुकरा इंसान बोलते भाई मेरे पास एक ब्लैक कलर का ब्लेजर है वो पहन ले तू जचेगा भी। फिर एल्विस हो गए खुश एकदम ना। ऑल्सो गाइस बता दूं बिग बॉस ने दे दिया एल्विस यादव को एक वार्निंग, यह सिर्फ एल्विस यादव को नहीं आशिका भाटिया को भी, क्योंकि वो लोग ना बाहर की बातें कर रहे थे ठीक है, एंड वो लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो उनको अलाउड नहीं है कि वो जो बाहर की बातें करें। एल्विस यादव जो काफी सारे हिंट्स वगैरह दे रहे थे फुकरा इंसान को, जो आशिका भाटिया वो तो डायरेक्टली बोल देती फुकरा इंसान को कि बाहर तुम्हारे बहुत सारे फैंस बढ़ गए, लड़कियां फिदा है, हर तीसरा रील्स तुम्हारा ही होता है। तो यही सब होने के बाद ना बिग बॉस ने जो एक नोटिस पेपर भेजा, उन्होंने बेसिकली स्टोर रूम में रखा था एंड उनको वार्निंग दिया कि वो जो बाहर की बातें ना करें, एंड शायद से अगर वो फिर से करेंगे देन फिर वो ट्रबल में भी आ सकते हैं बाद में, शायद से बिग बॉस नॉमिनेट वगैरह कर दे। ऑल्सो गाइस अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस सलमान खान जो आज के वीकेंड का वार होस्ट नहीं करने वाले, यस बताया जा रहा है कि कृष्णा अभिषेक होस्ट करने वाले, तो फिर भाई आज के वीकेंड का वार में स्किप कर रहा हूँ। ऑल्सो गाइस फलक नाश की जो मॉम है वो ट्रिगर्ड इंसान फुकरा इंसान से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। आपको बताओ रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान ने फलक नाश को रोस्ट किया था तो उसके बारे में वो कही, रोस्टिंग मतलब क्या है, उसका मतलब इंसल्ट करना नहीं है, अगर कल को मेरे बच्चे किसी को इंसल्ट या फिर रोस्ट करके पैसे कमाने लगते हैं वो मेरे लिए इंसल्टिंग होगा, बाकी आप खुद समझदार है। और जो वो बताती है हम जो फिल्मी फैमिली से नहीं है, जो लोग काफी घंटे कैमरे के सामने होते हैं बोलते हैं हे आई एम दिस एंड दैट, हमारी यूट्यूब वाली फैमिली नहीं है, हम जो नॉर्मल लोगों की तरह जहाँ पे बच्चे एंड इवन एल्डर्स मिस्टेक्स करते हैं बट जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपस में सॉल्व करते हैं। वो बोलती है अगर कोई किसी के इमोशंस को अटैक करता है वो सबसे डिस्गस्टिंग चीज है, इससे पता चल जाता है आप क्या है और हम क्या है। वो बोलती है आप हमें पर्सनली अटैक कर रहे हो, जस्ट सोचो अगर मैं सेम चीज करूँ तो तुम्हें कैसा फील होगा। और जो फुकरा इंसान के फैंस के बारे में भी बोली ना, वो बोली वो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, यू हैव सच फॉलोअर्स, अगर हमारे ऐसे फॉलोअर्स होते आई वुड नेवर बी प्राउड ऑफ देम, मैं हाथ जोड़ती हूँ उनको एंड निकलने को कहती। एंड वो बोलती है फुकरा इंसान के फैंस जो है सिर्फ हमें अब्यूज नहीं कर रहे, वो जो मेकर्स को अब्यूज कर रहे हैं, सलमान खान को अब्यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म को भी अब्यूज कर रहे हैं। वो बोलती है हमारी जो फॉलोअर्स है उससे पर्सनालिटीज डिफाइन होती है। वो बोलती है हमारे घर में तीन सेलिब्रिटीज है, शफक, फलक एंड सीजान, एंड उनके काफी अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है, फैन बेस है, बट मैंने कभी नहीं देखा उनके फॉलोअर्स किसी के कॉमेंट सेक्शन में जाके अब्यूज वगैरह कर रहे। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कॉमेंट करके जरूर से बताना। चलिए अगली अपडेट के बारे में, मनोज के बारे में, तो मनोज के ऊपर ना अभी बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं, ये बोल रही है मनोज के चैनल पर जो एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है। बेसिकली उनको स्ट्राइक क्यों पड़ा, कुछ तो एक उन्होंने ऐप प्रमोट किया था उस वजह से, तो जितने भी क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए ना इसके ऊपर उसका वो स्क्रीनशॉट डाले और लिखे मनोज के चैनल डिलीट होने जा रहा है, कुछ लोग पीछे पड़ गए, रिपोर्ट मरवा रहे, पता नहीं मैंने किसका क्या बिगाड़ा। कोई बात नहीं, उड़वा दो चैनल अगर इससे आपको खुशी मिलेगी तो। बाय गाइस, दुआओं में याद रखना। तो चलिए अगली अपडेट के मनोज के कैरी मिनाटी के बारे में, तो कैरी मिनाटी ने जो अपना पैरोडी वीडियो अपलोड कर दिया, डेली व्लॉगर्स पैरोडी, एंड वहां पे सिर्फ सौरभ जोशी का पैरोडी नहीं है भाई, फ्लाइंग बीस्ट का है, अरमान मलिक जिनके दो बीवी है उनका भी है, और गौरव चौधरी का भी है यानी कि टेक्निकल गुरुजी का, सो काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है ना, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के मनोज के सुमना चक्रवर्ती के बारे में, आपको बताओ इनके बारे में जो कपिल शर्मा शो में तो इनका एक इंटरव्यू आउट हुआ है ठीक है, जहाँ पे वो रिकॉल करती है एक इंसिडेंट जहाँ पे कपिल शर्मा जो उनका लिप से रिलेटेड जोक्स मार देते हैं, वो बताए उस टाइम पे जो उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था ना, और बाद में बताए अर्चना पुरन ने जो उनको अच्छे से समझाया ना। चलिए अगली अपडेट के मनोज के काजोल के बारे में, तो आपको बताओ जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पीछे पूरा मतलब फैंस वगैरह पड़ जाते हैं, रिसेंटली उनके पीछे ना दो फोटोग्राफर्स पड़ गए थे, उसके बारे में वो कहती है अगर नॉर्मल बंदे के पीछे अगर दो बंदे भागते हैं फिर वो पुलिस कंप्लेन करेगा, अब क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि मैं स्टार हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं। और जो पापराजी इन्वेजन के बारे में भी बात करती है कि कैसे आजकल प्राइवेसी नहीं रहा, पापराजी जो है घर के सामने जाके फोटोज वगैरह खिंचाते हैं, आपको पता होगा रिसेंटली अनुष्का शर्मा के साथ भी हुआ था, क्या सोचते हो यार आप लोग इसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के मनोज की एक वीडियो के बारे में जो कि है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता उनका नाम ना, वो वीडियो क्या है पहले आप देखिए। तो उसके बाद ना उनको ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रोल वगैरह किया जा रहा है, कुछ ट्वीट्स आप देख सकते हो, क्या सोचते हो और आप लोग कमेंट में जरूर से बताना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।